EB2 NIW क्या है? अमेरिका में एक PhD होल्डर या एडवांस मास्टर्स डिग्री जिसने बहुत सारी पब्लिकेशन और साइंटिफिक रिकॉर्ड जिसका अच्छा है, वो इमिग्रेशन कैसे कर सकता है? क्या USA के अंदर लीगल इमिग्रेशन पूरी फैमिली के साथ किया जा सकता है? USA में इमिग्रेशन करने के कितने टाइम के अंदर अंदर एक फैमिली मूव कर सकती है? क्या इस पे कितना ख़र्चा आता है USA में मूव करने के लिए? और क्या USA में इस प्रोग्राम के तहत मूव करने के बाद जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं? और क्या जॉब किस वैल्यू की मिल सकती है, उसका क्या वेटेज है और कितना एक इंसान अर्न कर सकता है? और एक फैमिली अगर यहाँ पे मूव कर आती है पूरे अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, तो वो यहाँ पे उनके बच्चों की एजुकेशन का क्या वैल्यू होगी? क्या उसकी फैमिली, उसकी स्पाउस वो जॉब कर सकते हैं या नहीं? क्या उसके बच्चे कितनी एजुकेशन यहाँ पे फ्री है या नहीं? क्या हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है यहाँ पे? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी कंपनी से लोग आए दिन पूछते रहते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है, मैं कोलंबस में ओहायो जो इसकी स्टेट है यहाँ पे मुकीम हूँ, और मैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट पिछले 4 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। मेरी PhD खुद एक मोलेकुलर मेडिसिन में 2019 में जर्मनी से है। तो आज मैं ये एक सारी समरी ब्रीफ सी बताना चाहता हूँ कि ये EB2 NIW प्रोग्राम क्या है और कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो इसके लिए बेस्ट सूटेबल हैं, जो विद इन नो टाइम पूरी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप थॉरली देखेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से एक एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो एक आम बंदा नहीं प्रोवाइड करता, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इंसान के माइंड में अप्लाई करते वक्त क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसका उसे जवाब नहीं मिल रहा होता। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें से जो आपको मुफीद इंफॉर्मेशन मिले वो दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, और आप अपने को मजीद क्वेश्चन हो तो वो भी हमें बताइएगा। तो सबसे पहले चलते हैं EB2 NIW क्या होता है। तो बेसिकली EB2 NIW प्रोग्राम जो है USA ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ऐसे लोगों के लिए जिनकी एडवांस डिग्री है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन ही इज़ हैविंग PhD डिग्री, ही हैज़ सो मेनी साइटेशंस, ही हैज़ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ही हैज़ अ गुड साइंटिफिक प्रोफाइल, या वो वाले बंदे जिन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम किया हुआ है और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो बेसिकली EB2 NIW इज़ अ काइंड ऑफ, मैं इसको टेक्निकली कहता हूँ, ये ब्रेन ड्रेन है। तो अमेरिका के अंदर लोग इसमें को बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट है अपने कैपेबल लोगों को, जो दुनिया में जहाँ पे भी टेक्निकल लोग हैं बहुत बेनिफिशियल हैं, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करता है उनकी साइंटिफिक स्किल्स के मुताबिक। तो जो भी बंदे, फॉर एग्जांपल, उनकी इसका बेसिकली 3 क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर 1, अ पर्सन शुड हैव एडवांस डिग्री, फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ PhD, दैट्स मोर देन इनफ, हैज गुड साइटेशन और पब्लिकेशन रिकॉर्ड, दैट्स ऑसम। नंबर 2, द पर्सन शुड हैव टू मीट द क्राइटेरिया दैट ही इज सूटेबल फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, दैट ही विल कम टू द USA एंड ही विल बी बेनिफिशियल फॉर USA गवर्नमेंट और USA इकोनॉमी। तो जो PhD कैपेबल बंदा होता है तो उसको सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होता है, या बंदा जिसने मास्टर्स डिग्री की हुई है, 5 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है, कपल ऑफ साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो भी इसके लिए मीटअप करता है, या वो बंदा जिसने बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ है, कोई डिग्री अच्छी की हुई है स्टेम प्रोग्राम के अंदर, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके अंदर क्राइटेरिया को मीटअप करता है। तो हम ऐसे सारे केसेस को डिलिनिएट करते हैं और ऐसे केसेस को हम लेके उनकी प्रोफाइल को बेस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो US के लिए इमिग्रेशन के लिए सूटेबल हो जाए। दूसरा सवाल होता है कि इसका ओवरऑल हमें ना आप डिटेल से बताएं कि इसके बारे में क्या होता है, क्या स्टेप्स हैं, कितना पैसे इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइम में बंदा मूव कर सकता है। तो सबसे पहले होता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो की सीरीज़ में भी बताया था कि इसके बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको अपनी पिटीशन तैयार करनी पड़ती है, यू शुड हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू आर इंपॉर्टेंट फॉर USA, और यहाँ पे रोल प्ले करता है अटॉर्नी, जो आपका प्रोफेशनल अटॉर्नी होता है वो आपकी प्रोफाइल को, आपकी रिसर्च समरी को इस तरीके से प्रेजेंट करता है US के एक फर्म के सामने, US इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने। जिस तरह आप नॉर्मली किसी भी अदालत में जाते हैं अपना मुकदमा लड़ते हैं, तो वहाँ पे आपका जो वकील होता है वो जस्टिफाई करता है कि ये बंदा इस बात पे सच बोल रहा है, इसके दलाइल में ये सदाकत है, इसका केस इसलिए स्ट्रांग है। तो जो आप अटॉर्नी हायर करते हैं वो आपकी रिसर्च समरी, आपकी प्रोफाइल, आपकी CV, आपकी साइंटिफिक बैकग्राउंड को उस हिसाब से डिलिनिएट करके मैच करता है
कि आप यूएसए के अंदर इमिग्रेशन करने के लिए क्यों कैपेबल हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर के लिए क्यों कैपेबल हैं, आप यूएसए की इकोनॉमी के लिए क्यों बेस्ट सूट करते हैं, तो वो उसको ड्राफ्ट करता है। बेस्ट वे से ड्राफ्ट करतेगा वो क्लॉजेज ऐड करेगा, आपकी साइंटिफिक प्रोफाइल को इस तरीके से मैच करके बताएगा कि यूएसए के अंदर ये प्रोजेक्ट चला था, यूएसए के अंदर ये फॉर एग्जांपल पेंडेमिक आया था, यूएसए के अंदर फ्लाम डिजीज़ आई थी, इस बंदे की जो साइंटिफिक प्रोफाइल है इस तरह की है, ये इस तरह से मैच कर रही है, कल को ये बंदा आके आपकी इकोनॉमी के लिए आपके कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले होता है I-140 पटिशन। ये पटिशन जो है अटॉर्नी जो है प्रोफेशनल फर्म्स के वो इसको ड्राफ्ट करते हैं, 100 पेजेस प्लस का होता है ये पटिशन लेटर ड्राफ्ट करता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं मुख्तलिफ तरीके से चार्ज करती हैं, $4,000 से लेके $7,000 तक चार्ज करती हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के अपने प्रोफेशनल अटॉर्नीज होते हैं, डिपेंड्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, डिपेंड करता है कि वो कितना आपको मतलब है कितनी पुरानी फर्म है, नई फर्म है, कितना उनके पास नंबर ऑफ केसेस है, डिपेंड करता है उनकी अपनी स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है कि कितना चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले I-140 पटिशन होती है, जब आपकी I-140 पटिशन जो है उसका डिसीजन नॉर्मली जो आ जाता है 4 से 9 महीने में आ रहा है, 4 से 9 महीने में आपका डिसीजन आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर ग्रीन कार्ड फॉर हैविंग परमानेंट रेजिडेंसी। लेट्स से I-140 एक क्लाइंट का अप्रूव हो चुका है, उसके बाद वो फाइल अपना करता है केस I-485 अगर वो ऑलरेडी यूएसए के अंदर है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, या अगर वो यूएसए से बाहर है फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है यूएसए की वहाँ पर उसका केस फाइल हो जाएगा, उसको बोलते हैं IVP इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी बंदा है वो सऊदी अरब में मुकीम है, कोई बंदा है यूएई के अंदर मुकीम है, तो जो रेस्पेक्टिव यूएसए की एम्बेसी है वहाँ पे वो बंदा पाकिस्तानी बंदा अपना केस फाइल करेगा जिसको बोलेंगे IVP इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग, और जब प्रायोरिटी डेट उसकी करंट होगी तो उसके बाद वो अपना केस वहाँ पे फाइल करके उसका पहले बायोमेट्रिक होगा, पूरी फैमिली का जो मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स, नंबर 1 I-140 की अप्रूवल हो जाएगा, पटिशन लेटर ड्राफ्ट होगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद अगर आप यूएसए के अंदर हैं I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, यूएसए से बाहर हैं तो आपका इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग होगा। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं कि इसमें आप पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर नेपाल के अंदर हमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख उनकी लोकल करेंसी बहुत सस्ता पैकेज है वो इतने पैसे में करके दे रहे हैं, तो हम इतना हाई फाई यूएसए का अटॉर्नी है क्यों हायर करें, उसको हम $4,000-6,000 क्यों पे करें, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हम लोकल बंदे से क्यों ना करें। तो हम ऐसे बंदों को कहते हैं बिल्कुल आप वैसे ही लोगों से फाइल करें, इसमें कोई हमें मुजायका नहीं है, लेकिन मसला ये है जो प्रोफेशनलिज्म है उनमें लैक करती है, प्री ड्राफ्टेड से उन्होंने अपने पहले से एक ड्राफ्टेड जो उनके लेटर्स हैं वो रखे होते हैं उसी के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होती, जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि नो डाउट आपने 4-5 लाख कम पे किए होते हैं, लेकिन 6-7 महीने आप वेट करते हैं, आपकी उम्मीदें बनती हैं सारा कुछ, उसके बाद आपके ऊपर RFE लग के आ जाता है, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस, या आपका केस डिनाई हो जाता है क्योंकि उसको प्रोफेशनली डील नहीं किया जाता। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है आप यूएसए की किसी प्रोफेशनल फर्म से अपने केस को फाइल करें और आपका जो टाइम है वो सेव होगा, नो डाउट पैसे के लिहाज से थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको 100% गारंटी होगी कि आपका केस अप्रूव होगा। और दूसरी बात, यूएसए में बहुत सारी फर्म्स हैं वो ऑलरेडी आपको 100% रिफंडेबल दे रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता आपका केस रिजेक्ट होगा, उसमें 3 दफ़ा तो अपील के चांसेस होते हैं जो कि आपको वो फ्री करते हैं कि हम आपको फ्री अपील का चांस देते हैं, अगर फिर भी आपको उस फ्री अपील के बाद भी रिजेक्शन होती है जो आपसे उन्होंने अटॉर्नी ने चार्जेस लिए होते हैं वो 100% रिफंडेबल होते हैं। तो एट स्टेक जो आपके चार्जेस लगते हैं ऑलमोस्ट $1,015 है जो गवर्नमेंट की फीस है वो लगती है। हाँ, आप जो 4 से 9 महीने का ड्यूरेशन है आप कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी इसका डिसीजन चाहिए, उसका भी स्मार्टेस्ट वे है, इन्होंने एक काम किया है जिसको बोलते हैं प्रीमियम प्रोसेसिंग, 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा, लेकिन $1,015 के अलावा $2,500 आपको US गवर्नमेंट को एडवांस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ताकि आपके केस को वो प्रायोरिटाइज कर दें, बाकी केसेस से हट के आपके केसेस को जल्दी डील कर दिया जाए, उसके ऊपर डिसीजन आ जाए। यहाँ पे फैमिली मूव कर रही है, अपनी स्पाउस को भी ले आए हैं, तो यहाँ पे जॉब की क्या सिचुएशन है, यू नो अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ ड्रीम, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे मिलियंस ऑफ जॉब्स हर साल क्रिएट होती हैं।
आप अंदाज़ा करें आपको उन्होंने यूएसए के अंदर इमिग्रेशन करवाई है, किस बेस पे कराई है, क्योंकि आपकी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज़ थी, लाइक यू हैव अ पीएचडी, यू हैव एडवांस डिग्री, यू हैव साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग रोबस्ट प्रोफाइल, इन बेसिस पे। तो आप जब यहाँ पे मूव करेंगे तो आपको क्या लगता है इस कैलिबर के बंदे के लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं है? बेतहाशा जॉब्स हैं, जॉब्स की कोई भी फिक्र नहीं है। कितना अर्न करेंगे आप पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ पे, उसको मैं 100 times आप मल्टीप्लाई कर लें आप यहाँ पे अर्न करेंगे। एक नॉर्मल पीएचडी का बंदा यहाँ पे इंडस्ट्री में अगर मूव करता है वो 100,000 से लेके $200,000 तक पर ईयर कमा रहा है, इजीली कमा रहा है। आप न्यू भी आए हैं, आप फिर भी $100,000 पर साल इजीली कमा सकते हैं। तो अर्निंग के हिसाब से कोई कमी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप जी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है वीज़े की कि मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर लूँ तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट बुला लें तो क्या सीन होता है? मेरे भाई, जब आप पाकिस्तान से बैठ के किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोर देन 90% एप्लीकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन होता है कि डू यू हैव एन अथोराइजेशन टू वर्क लीगली इन यूएसए। वहाँ पे जब आप नो करते हैं आपकी प्रोफाइल को, आपकी सीवी को, पहले ही सिस्टम जो ऑटोमेटेड साइड पे उठा के फेंक देते हैं, आपकी आगे रिक्रूटमेंट के चांसेस ही नहीं होते। तो जब आप ग्रीन कार्ड पे यहाँ पे आएंगे तो आपका ये जो पोर्शन होता है कि आर यू अथोराइज टू लीगली वर्क इन यूएसए, यस यू आर, देन यू आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, यू हैव पीएचडी, यू हैव रोबस्ट प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड, यू आर स्ट्रॉन्ग चांसेस टू गेट द जॉब। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे जस्ट आप अपनी सीवी ही पुट कर देते हैं, वो आपको खुद ही आपकी प्रोफाइल को ना के इवेल्युएट करके आपको राइट जगह के ऊपर रिक्रूटमेंट करवा के आपके जॉब भी हंट करवा के देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैं लाजमी बताना चाहता था। तो बच्चों के एजुकेशन का ये है कि 12th ग्रेड तक यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। आप जब यहाँ पे लीगल रेजिडेंट बन के आएंगे आप भी वही सारे राइट्स रखते हैं जो कि एक यूएस नेशनल राइट्स रखता है, यूएस पासपोर्ट होल्डर राइट रखता है, तो आपके पास भी वही सारे राइट्स होंगे। तो जो भी राइट्स उनके पास हैं वो आपके पास हैं। 12th ग्रेड तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो सीन है, हर बंदा यहाँ पे हेल्थ इंश्योर्ड होता है, यू हैव टू पे फॉर दैट। फॉर एग्जांपल यू हैव एनी काइंड ऑफ अ जॉब, यू हैव इंश्योरेंस, व्हेन यू हैव इंश्योरेंस योर होल फैमिली गोना गेट पेड एंड होल फैमिली गेट इंश्योर्ड। यहाँ पे आपका बच्चा पैदा होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो यहाँ का नेशनल है बाई बर्थ, यहाँ पे उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है, यहाँ पे हमारी फैमिली एडजस्ट हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पे हमें पासपोर्ट कितने टाइम के बाद मिलेगा? बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं, हम पाकिस्तान में कितना टाइम रह सकते हैं, दुनिया में और कहीं पे कितना टाइम रह सकते हैं, यहाँ पे हमें बाउंडनेस तो नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि पहले 5 साल में आप ग्रीन कार्ड के ऊपर यूएसए में आए हैं, पहले 5 साल में आपको 2.5 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऑलमोस्ट टोटल बनता है 917 days आपको यहाँ पे रहना पड़ता है। 1 साल के अंदर 180 दिन आपको यूएसए में रहना पड़ेगा, चाहे वो आप चंक्स की सूरत में रहें, 2-2 महीने करके रहें, 3-3 महीने करके रहें, 6 महीने यहाँ पे रहें, 6 महीने आउटसाइड द यूएसए रहें। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अगर आप यूएसए से रहेंगे, आप रह सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले यहाँ पे एक I-131 फॉर्म होता है, आपको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को मेंशन करना पड़ता है कि मेरी एक स्ट्रांग रीज़न है जिस वजह से मैं आउटसाइड द यूएसए जाना चाह रहा हूँ इतने टाइम, 6 महीने से ज़्यादा, तो जब मैं वापस आऊँ मुझे मसला नहीं होना चाहिए, जा सकते हैं। लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी ना आए, आप 5 साल के बाद पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको 6 महीने हर साल में मिनिमम यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो 5 साल में आप 2.5 साल यहाँ पे रहेंगे तो आपको 5 साल के बाद आप नेचुरलाइजेशन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इसके अलावा मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, बेस्ट प्रोग्राम है, जितने हाई प्रोफेशनल्स लोग हैं नो डाउट इसमें पैसे इन्वॉल्व अच्छे खासे हो रहे हैं, लेकिन ये अगर आप आने वाली जनरेशन के लिए देखेंगे 20-25 लाख इज नथिंग। अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस मैं लगाऊं ग्रीन कार्ड लेने तक यहाँ आने तक, कुछ भी नहीं है। अपने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हर बंदा है, हाँ, लेकिन जिसके कोई जो बंदा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है बाहर मूव करने की, उसको लग रहा है कि उसके ख्वाब कोई इस तरह के हैं वो बाहर जाके अचीव कर सकता है, उन बंदों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट ये एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप अपनी साइंटिफिक स्किल्स, बैकग्राउंड, अपनी क्वालिफिकेशन को यूज़ करके विद इन नो टाइम आप यूएसए के अंदर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप अप्लाई करते हैं, विद इन 2 years और 2.5 years आप पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ यहाँ पे मूव कर सकते हैं। देर ना करें, हमारी कंपनी फेबल कंसल्टेंट को रब्ता करें, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल डील किया जाएगा। यूएस बेस्ड अटॉर्नीज हैं हमारे पास,
बहुत स्ट्रांग टीम है, हमने हंड्रेड्स ऑफ डजन ऑफ केसेस हमने वो फाइल किए हुए हैं, 200 प्लस हमने जो पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों से हैं वहाँ से फाइल किए हुए हैं, बल्क ऑफ टीम, एक्सपीरियंस अटॉर्नीज, मोर देन हैविंग 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, और आपके केस को प्रोफेशनली डील किया जाएगा। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है, हम क्यों कहते हैं आप हमारे पास आएँ, उसकी तीन वजूहत हैं। नंबर वन ये है, हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट लेते हैं, दूसरे भी लेते होंगे लेकिन हम इंस्टॉलमेंट्स को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपके ऊपर बर्डनाइज ना हो चीज़। नंबर दो क्या है, हमने रेफरल बोनस रखा हुआ है, आपने हमारे से अप्लाई किया, आपके थ्रू 10 बंदे और आए हैं, हम हर एक बंदे को उसमें रेफरल बोनस देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर एक क्लाइंट को इसीलिए कहता हूँ अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, उसकी सबसे स्ट्रांग वजह यह है कि हम आपका जब आपने हमारे से कॉन्टैक्ट किया है फ्री वैल्यूएशन कराएंगे, फ्री वैल्यूएशन के बाद विद इन 30 डेज आपका केस फाइल हो जाएगा। कोई भी अटॉर्नी, कोई भी फर्म इतना अच्छा पैकेज और इतना अच्छा नहीं दे रही, देर ना करें। इसके अलावा भी अगर आप हमारे से अप्लाई नहीं करना चाहते, कहीं से भी करना चाहते हैं करें, हमसे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्री वैल्यूएशन करानी है, वी आर मोर देन वेलकमिंग यू गाइस, आप हमसे रीच आउट करें, आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज हों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। उसके अलावा पर्सनली भी रीच करना चाहते हैं, या हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, हमारे चैनल्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमारे बिजनेस व्हाट्सएप भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो देर ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। देर आए दुरुस्त आए, जो हो चुका है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप एज सून एज पॉसिबल अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।